हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक लेसन नंबर 11 से अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, विलियमसन अविरल ईथरीकरण क्या है समझाइए। तो प्रयोगशाला में क्या होता है, इस विधि के द्वारा डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल एवं सांद्र H2SO4 के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। इसमें टू स्टेप लगती है। फर्स्ट स्टेप जो होती है उसमें एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 383 केल्विन ताप पर कराई जाती है, जिससे होता क्या है, ये जो अम्ल है अपनी हाइड्रोजन देता है, इसकी OH लेता है और पानी बना लेता है। अब बचा C2H5, यहाँ पर एक एच चले गए तो एक एच बची, तो एच और SO4 का SO4, तो बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होता है, ये पुनः अल्कोहल से क्या करता है, क्रिया करता है। अब यहाँ से देखिए, जो H SO4 है ये यहाँ से हाइड्रोजन मांग लेगा, तो फिर से बन जाएगा H2SO4। अब यहाँ बचा C2H5O और यहाँ बचा C2H5, तो हमने लिख दिया C2H5O C2H5, जो कहलाएगा, दो एथिल ग्रुप है तो ये कहलाएगा डाई एथिल और ऑक्सीजन है बीच में तो ये कहलाएगा ईथर। तो इस तरह बन गया डाई एथिल ईथर। अब इस अभिक्रिया में हुआ क्या है, इस अभिक्रिया की जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या हुआ, H2SO4 पुनः प्रकट हो गया। अब होता क्या है, पुनः बनने से क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में H2SO4 यूज़ होता है, तो ये जो द्वितीय पद में बना है वो फर्स्ट स्टेप में जाकर फिर से अल्कोहल से क्रिया करके फिर से एथिल ईथर बनाने की प्रोसेस में शामिल हो जाएगा। और इस तरह लगातार ईथर हमें मिलता रहेगा, मतलब ये क्रिया लगातार अविरल बिना रुके चलती रहेगी। इसलिए विलियमसन की इस विधि को बोलते हैं विलियमसन अविरल ईथरीकरण विधि। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे विलियमसन अविरल ईथरीकरण क्या होता है। अब मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।